मैं एक ध्यानी भी हूँ और मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ और खुद से मेडिटेशन करता हूँ। अब मेरे जो बचपन में बहुत सारे सवाल रहते थे, ये जीवन क्या है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, युवावस्था में जब आया तो उस समय मेरे लाइफ में एक फेस आया जिस समय मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उस समय वो रीज़न इतना बड़ा था कि मेरा पूरा रास्ता बंद हो गया। उस समय मेरे जीवन में ध्यान आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम है PSSM में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, हम है PSSM में हम आपसे मिलाते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स को, जो अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा करते हैं, जो बताते हैं कि ध्यान किस तरीके से उनके जीवन में आया, किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव लाया, इसी के बारे में हम उनसे बात करते हैं। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार सर जमशेदपुर से। आइए स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम जी। तो सर, शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम का, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हमारे दर्शकों को जानना कि आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में और थोड़ा सा आपके जन्म से लेकर अभी तक की जो जर्नी है उसके बारे में। आत्मवंदन मास्टर्स, मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं प्रोफेशनल एज ए इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। और ये तो हुआ मेरा भौतिक पहचान, और आध्यात्मिक रूप से मैं एक ध्यानी भी हूँ और मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ और खुद से मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन की शुरुआत से बताने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। अब मेरे जो बचपन में बहुत सारे सवाल रहते थे, ये मृत्यु क्या है, ये जीवन क्या है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, जीवन में आने से पहले इंसान कहाँ रहता है, वो सब चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन रहते थे। तो ये सवाल जो है मैं दूसरे के पास लेकर के, जो भी मेरे से बड़े हैं, जो भी जिन पंडित है, बहुत लोगों से मैंने मिला, लेकिन कोई भी इसका सेटिस्फैक्शन रूप से मुझे जवाब नहीं मिल पाया। और धीरे 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 कहीं ना कहीं ये सवाल गुम हो गया। पहले पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर नौकरी, नौकरी के बाद जब युवावस्था में जब आया तो उस समय मेरे लाइफ में एक फेस आया जिस समय मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और सुसाइड अटेम्प्ट का जो रीज़न था वो उतना उतना बड़ा भी आज के डेट में मुझे नहीं लगता, लेकिन उस समय वो रीज़न इतना बड़ा था कि मेरा पूरा रास्ता बंद हो गया। उस समय मेरे जीवन में ध्यान आया, और जहाँ मैंने जीवन को अंत करने का पूरा फैसला ले चुका था, और वहाँ से अभी तक, अभी मैं सभी को मेडिटेशन सिखाता हूँ, खुश रहने के लिए सभी को प्रेरणा देता हूँ, हर चीज़ वेजिटेरियन का प्रचार करता हूँ। तो ये सब जो है ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मेडिटेशन से मिला जी। तो सर, आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक की कहानी बताई, तो अब आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया कि ट्रांसफॉर्म हुए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, आप PSSM से जुड़े कैसे, इसके बारे में बताइए। PSSM से एक्चुअली मैं PSSM और PMC हिंदी ऐसे के बारे में नहीं जानता था मैं, लेकिन PSSM का एक यूथ विंग है, पाइमा, पिरामिड यूथ मेडिटेशन एंड अहिंसा। इसका जो मेन पर्पस है, जो यूथ को मेडिटेशन के साथ जोड़ना है और वेजिटेरियनिज्म का और पिरामिड एनर्जी का प्रचार प्रसार करना है। तो मैं पाइमा के बारे भी नहीं जानता था। पाइमा के एक मास्टर ने मुझे इस ध्यान से जोड़ा था, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जुड़ा कैसे। मेरे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आए, मैं एज ए चाइल्ड लेबर में भी काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन आए। मेरे फादर जो है, मैं फादर बचपन में ही ध्यान कर गए थे, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इशू आए, हर चीज़ को मैंने आसानी से एक किया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, वो आज के डेट में वो पॉइंट बड़ा नहीं लगता मुझे, लेकिन उस समय एक ऐसा पॉइंट मेरे लाइफ में आया जिस समय मैं पूरी तरह से डिप्रेस हो गया। कारण ये था कि नॉर्मली सबसे पहले किसी भी गार्जियन का जो सपना रहता है कि बच्चा किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करे अच्छा से, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब हो जाए, जॉब होने के बाद सबका एक ड्रीम रहता है गार्जियन का कि एक उसकी शादी हो जाए। शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, तो मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था कि मतलब उसमें मुझे लड़की ऐसी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं, मेरा डिमांड नहीं था। लेकिन मेरे मदर है, तो मदर का कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो मदर को मैं बोला कि आपको जैसा पसंद है करो, देख करके मुझे लास्ट में उससे बोल देना कि ये है, मैं इससे मिल लूँगा, शादी हो जाएगा। ऐसा करके बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन बहुत सारे बात नहीं बने, लेकिन लास्ट में एक जब रिश्ता आया तो
सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं, मुझे इससे नहीं करना है। ये एक रिश्ता जो है हमारे मेरे पास आया, तो उसमें घर में किसी को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से एक बार देखने के लिए बात हुआ। तो जब हम लोग जस्ट मिले, हम लोग अपना जो मतलब अपना लाइफ के बारे में, वो अगले जो मेरा पार्टनर होने वाली थी उनका लाइफ के बारे में थोड़ा हम लोग आपस में बातचीत किए, और उसके बाद वो शादी फिक्स हो गया। शादी के फिक्स होने के बाद इंगेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। और हम लोग जो है रात में फोन से चैट या कॉलिंग में बातचीत होता था। अच्छा, सब कुछ अच्छा था, मैं भी अच्छे, पता नहीं कौन कौन से सपने देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो था, ये यूनिवर्स के पीछे कुछ ना कुछ प्लान रहता है, या हम ये तो मैं पहले सोचता था, लेकिन अभी जो सोचता हूँ, हम ही किसी भी चीज़ का क्रिएट करते हैं, और जो हमारे लाइफ में घटता है उसका क्रिएटर हम ही है। अचानक एक दिन लड़की ने मुझे, मतलब सुबह से शाम तक रूडली बात किया और मैसेज वगैरह का भी रिप्लाई नहीं दिया। शाम में बोले कि ये सबको खत्म करना पड़ेगा, बस ये वर्ड था। वो पता नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद लड़की का फिर कोई मैसेज नहीं, कॉल नहीं, घर वाले, फिर मैं घर, जब वो ऑफिस से घर घर गया तो घर में भी पता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, आगे छोड़ो इसको, अब आगे देखते हैं। ये वर्ड जो था वो मेरे डिप्रेशन का एक पॉइंट था, वहां से मैं डिप्रेशन में जाने लगा। और आज के डेट में वो ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा चीज था। मैं लगभग 2-2.5 महीना इसमें पूरी तरह से परेशान था। मेरे एक फ्रेंड है, अकाउंट्स में है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अंजलि नाम है उनका, तो उन्होंने बताया कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो मैं जमशेदपुर में एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट है, उनका मैं पास गया। उन्होंने 2-3 हफ्ते तक मुझे काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद डॉक्टर से, जो मेरे साथ जो गए थे, उनको बताया कि ये जो है डिप्रेशन इस फेज में है कि इसको लाइफ टाइम अभी दवा खाना पड़ेगा। और मुझे वो टैबलेट भी दिए थे। मैं वो टैबलेट खाने के बाद रात में मुझे नींद नहीं आती थी, और टैबलेट खाने के बाद वो ऐसा लगता था कि मतलब पूरा पसीना, ठंडा के दिन में पूरा पसीना आना, हार्ट बीट पंप बहुत तेज हो जाना। उस टाइम में मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया था। रात में अचानक 2 बजे करीब में उठा, मैं बिना सोचे समझे मैं छत पे गया। छत पे में जो पैरीपैड वाल होता है उसके ऊपर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद 10 सेकेंड आग बंद करने के बाद छलांग लगा दिया। उस छलांग लगाने के बाद उस समय भी कॉमेडी हुआ मेरे से, मेरे को लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं ऐसा। लेकिन उसके दूसरा दिन जो है, मैं मतलब इतना ये हो गया था कि बस जस्ट ईश्वर से मैंने कोई, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लिया, बस ऐसी आंख बंद किया, हे ईश्वर अगर तुम सच में हो तो मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, अदरवाइज सब कुछ खत्म करो। ये वर्ड था। और जो भी आप कुछ भी इंटेंशन के साथ अगर आप अफर्मेशन देते हैं तो यूनिवर्स वो सुनता है और वो आपके लाइफ में आता है। 2 दिन के बाद मेरी वही अंजलि जो कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने एक साई विशाल पाइमा मास्टर है उनका नंबर दिया, बोला आप बात करना इनसे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनका भी कोई सेंटर वगैरह होगा, पैसा रजिस्ट्रेशन करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसे नॉर्मली अभी पूरे लाइफ मतलब वर्ल्ड वाइड या इंडिया में जो चल रहा है उस टाइप से मेरे को लगा। तो मैं बोला फॉर ग्रांटेड ले लिया। सेकेंड डे जो है मेरे फिर से थॉट आया ऐसा कि नहीं, ये गड़बड़ है। फिर से मैं जाने का सोचा, लेकिन वो सुसाइड उस समय नहीं किया। मैं उनको एक मैसेज ड्रॉप किया, क्योंकि रात काफ़ी हो गया था। मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया कि सर मेरा नाम विजय है, मैं अब छोटा सा एक ये इंट्रोडक्शन दे करके आपका नंबर ऐसे मिला, मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उस दिन वो किसी जर्नी में थे। दूसरे दिन उन्होंने रात में मुझे कॉल किया, और मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड थे मुझे मेडिटेशन सिखाने के लिए। मैं बोला ये बंदा तो मेरा पीछे पड़ गया यार, ये क्या है। तो फिर मैं उनसे पूछा कि सर बताइए आपका सेंटर कहाँ है, आपका सब्सक्रिप्शन फीस क्या है। वो बोला सर आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपको मोबाइल से बस यही आपको बता दूंगा, आपको कंटिन्यू करना है बस 40 डेज। तो मेरे जब ऑफिस से जब घर जाता था, तो ऑफिस में छत के ऊपर बैठ करके अंधेरा में ज़्यादा टाइम, अकेले में ज़्यादा टाइम बैठा, तो बस उसी में बैठा। और उन्होंने वापस फ़ोन किया कि सर अभी आप वीडियो ऑन कीजिए। और तो मैंने वीडियो ऑन किया, तो रात के अंधेरे में छत पे था तो कोई फेस दिख नहीं रहा था। तो बोले सर आपका फेस नहीं दिख रहा। बोले सर आप फेस मुझसे मत देखिए, आप डायरेक्ट ऐसे ही मुझे सिखाइए क्या। उन्होंने 15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन करवाया मुझे।
पर मुझे उसमें कुछ भी पता नहीं चला, मतलब इतने सारे सारे थॉट्स जो नॉर्मल नहीं थे, मतलब नॉर्मल अवेयरनेस में जो थॉट नहीं आते थे वो भी थॉट उस समय आ रहे थे, और खाली इसी रिलेटेड जो भी सिचुएशंस मेरे लाइफ में चल रहे थे केवल उसी से रिलेटेड थॉट्स आ रहे थे और कुछ भी थॉट नहीं। ये उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही करते करते एक हफ्ता 10 दिन के बाद तो मेरे बहुत सारे, जैसे नए ध्यानी जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो मैं उनको बार बार फोन करता था, कभी कभी वो इरिटेट होकर बोल भी देते थे कि सर आप 40 डेज कीजिए, 40 डेज कीजिए। अभी मैं समझ में नहीं, फिर लास्ट में मुझे जब हफ्ता दिन बोलने के बाद भी वो बार बार ये 40 डेज बोल रहे, तो मेरे को समझ में आ गया कि मुझे अब खुद पे काम करना है। उस ये मुझे ने उन्होंने रास्ता बताया है, आप हमको उस खुद पे काम करना है। तो 40 डेज भी मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन जो थॉट है मेरे थॉट कम नहीं होते थे, लेकिन हाँ उस समय मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग हो रहे थे। मैं बीमार भी पड़ा था, बीमार भी ऐसे बीमार कि मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया, पेट में दर्द, बॉडी में पेन, अचानक वेट लूज होना, इस टाइप का प्रॉब्लम जो मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ था। और रिपोर्ट जब मैंने डॉक्टर से चेक कराया सब कुछ नॉर्मल, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है। फिर मैंने उनसे कंसल्ट किया तो बोला सर आप ट्रांसफॉर्म, जब आप मेडिटेशन में जुड़ते हैं, जब आप अपने अंदर की यात्रा तरफ यू टर्न लेते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसमें ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, तो देन ओके। तो मैं फिर भी थोड़ा परेशानी तो रहता है, क्योंकि और घर वाले भी और मेरे से ज़्यादा और परेशान कि किस टाइप से था, और किस टाइप मैं हमेशा हंस के बात करने वाला, और किसी से मैं बात नहीं करता था, कोई लगता था कि ये लोग जो है मेरे को परेशान कर रहा है, बहुत सारे चीज। तो इस तरह से लाइफ आगे चल रहा था। ध्यान जब करते करते जब 50 दिन हो गए, तब मेरे को मेडिटेशन में रोना आने लगा, कोई थॉट नहीं रहते थे, रोना ऐसा लगता था कि मुझे कोई मिल गया। और ऐसे वो है कोई, ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं है, या कोई व्यक्तित्व नहीं है, या कोई व्यक्ति नहीं है, बस मैं खुद के साथ बैठ रहा हूँ, ये मुझे मिल गया। और अचानक वो खाली आधा घंटा में 1 घंटा जब बैठता था तो मैं रोता था, गया धीरे 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 धीरे, जो भी डिप्रेशन से था मैं उससे धीरे धीरे बाहर आ रहा। और हाँ, जो दवाई में डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, मैं 2 दिन मात्र खाया था, 2 दिन के बाद दवाई को मैंने छुआ भी नहीं था, लेकिन जो डॉक्टर ने बताया कि आपको लाइफ टाइम मेडिटेशन मेडिसिन खाना पड़ेगा, वो मैंने केवल 2 दिन खाया था, और मैं अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ केवल मेडिटेशन के जरिए। इसी बीच में उन्होंने मुझे एक ग्रुप में जोड़ा, यूथ का ही ये अवेकन यूथ करके एक ग्रुप है पाइमा का, उसमें मुझे जोड़ा, और उसमें डेली लोक कल्याण ध्यान मेडिटेशन होता है। तो मैं इसी तरह ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहा। 60 डेज होते होते एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठा तो मेरे चारों बगल ऐसा महसूस हुआ कि जो जानवर लोग हैं वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं उनका उनका कुछ बिगाड़ा हूँ। ये वो पॉइंट था उससे पहले मैं 4 टाइम नॉन वेजिटेरियन था। मैं मॉर्निंग में भी नॉन वेज, डे लंच में भी नॉन वेज, इवन इवनिंग स्नैक्स में भी नॉन वेज में खाना पसंद करता था। वो सिंगल डे था, मैं उसका अगला दिन से छोड़ दिया कि नहीं खाना है मुझे लाइफ में। तो इस टाइप से करते करते घर वाले सब परेशान हो गए कि जो आदमी 4 टाइम नॉनवेज खा रहा है वो एक 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 बार में छोड़ दिया, तो नहीं नहीं तुम किस बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसा ऐसा करके वो बहुत सारे चीज बोल रहे थे। लेकिन मैं शुरू से जिद्दी आदमी हूँ, सबसे पहले किसी भी चीज को अडॉप्ट करता नहीं जल्दी, और अगर अडॉप्ट कर लिया तो फिर उसको निभाता हूँ, मतलब उसी पे चलता हूँ, ऐसा चल रहा था लाइफ। फिर मैं अब जो मेडिटेशन में जब हमेशा जो थॉट रहते थे, दिन भर में परेशान रहता था, हमेशा डिप्रेशन में रहता, अब धीरे धीरे मैं खुश होने लगा। लेकिन खुश सबसे ज्यादा खुशी मुझे अकेला में बैठता था वो खुशी मुझे ज्यादा महसूस होती। फिर मुझे उसी ग्रुप में पीएमसी हिंदी का एक वीडियो, गाइडेड मेडिटेशन वाला वीडियो एक पाइमा मास्टर ने डाला था, उस पीएमसी हिंदी का वीडियो को मैंने मेडिटेशन के लिए एक बार यूज किया। वो 40 मिनट्स का वशिष्ठ सर का था। इससे पहले जो था मैं 15 मिनट से स्टार्ट किया था मेडिटेशन, लेकिन ये गाइडेड मेडिटेशन करते करते जो 60 डेज का पीरियड में मैंने 40 मिनट्स का अचीव कर लिया था, सिंगल सिटिंग में 40 मिनट्स मैं बैठ सकता था। उसके बाद मैं पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब किया उसी, मतलब उस वीडियो, क्योंकि वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा,
जब सब्सक्राइब किया तो कोई भी यूट्यूब में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो सजेशन, आप यूट्यूब खोलेंगे तो सजेशन में आपका जो जो सब वीडियो सब्सक्राइब किए हैं उससे सजेशन से रिलेटेड आप, तो मैं पीएमसी हिंदी से उस समय जुड़ा, और पीएमसी हिंदी से तो जो भी मैं वीडियो सुन रहा था और जो भी देख रहा था, और जो भी देख रहा था कि जो निस्वार्थ भाव से सभी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी पीएमसी हिंदी के लिए काम करना चाहता था। तो जैसे सब सभी ऑर्गेनाइजेशन पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपका, मतलब वो आप के वो जब उसमें आप काम करेंगे तो आपसे एग्रीमेंट करवाएंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन पीएसएसएम एक मोमेंट है, ये मुझे बाद में धीरे 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 पता चला, और इसी तरह मैं पीएमसी हिंदी से भी जुड़ा। जी, तो सर काफ़ी विस्तार से आपने बताया अपनी पूरी जर्नी के बारे में, और सच में इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक डाउनफॉल था आपकी लाइफ में और किस तरीके से आपने उसको उठाया, अपने आप को पुश किया और आज आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर एक अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी कि इतनी सारी अनुभव होने के बाद से जब आप पीएसएसएम से जुड़ गए, तो अब जो आप में अपने आप में बदलाव जो आपको महसूस हुए, क्योंकि आपने खुद बताया कि आपके क्या लाइफ डिफ़िकल्टीज चल रहे थे उस टाइम पे, और आपकी पहले की जो लाइफ थी ध्यान से पहले की वो कितनी मुश्किल भरी थी, लेकिन अब जब आप ध्यान करने लग गए तो उसके बाद का जो जीवन है थोड़ा उसके बारे में बताइए। ध्यान से पहले मैं बहुत ही वर्कहोलिक था, मैं अपने काम से मतलब रखता था, कुछ भी जो मैं भी मेरा प्रोफेशन है मैं उससे रिलेटेड या कुछ काम कर रहा हूँ, या अपने पढ़ाई में भी काम किया तो पढ़ाई में भी एवरेज ही स्टूडेंट था, लेकिन मैं पढ़ाई में बस पढ़ाई में, दूसरे से किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं एक थॉट पैटर्न में रहता था, जैसे मैं जनेऊ पहनता था क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से भी हूँ, तो जनेऊ पहनना, इस पूरे जो उंगली जो है मुझे अंगूठी से भरा रहता था, एक एक उंगली में, कोई कोई उंगली में दो दो अंगूठी थे, और मैं लाइफ से बहुत डरता था कि क्या होगा कैसा होगा। तो इसके लिए मैं या तो फ्यूचर के लिए जीता था या पास्ट के लिए जीता था। जब ध्यान में आया, ध्यान में मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट, बीच में अवेयरनेस खोता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने। उसके बाद जब एक बार मुझे, अभी फर्स्ट तो हम लोग जैसे किताब पढ़ते हैं तो ये हम लोग बोलते हैं कि मौत है, मृत्यु है ही नहीं, लेकिन ये थॉट पैटर्न नहीं है, ये जस्ट उस ज्ञान को हम लोग लेकर चलते हैं। लेकिन फिर भी जो भी इंसान, किसी आपके लव वन या कोई आपके फैमिली रिलेटेड में कोई मृत्यु हो जाती है तो कैसे आप रिएक्ट करते हो, रोना धोना। तो ये चीज ध्यान के बाद मैं रियलाइज कर पाया कि ये मतलब मृत्यु है नहीं, तो मृत्यु नहीं है तो फिर डर किस चीज की। और जो ऊपर वाला, अगर हम ऊपर से आए हैं तो हम, हमारा सारा व्यवस्था भी तो हुआ है, वो डर डर किसी हुआ। तो मैंने उस अंगूठी को खोल दिया, थॉट पैटर्न चेंज हो गया। जितने भी मेरे जो बचपन से जो थॉट पैटर्न थे, जो पूजा पाठ, मैं एक एक घंटा डेढ़ घंटा पूजा करने वाला, घर में सबसे ज्यादा पूजा करने वाला इंसान, अभी मैं पूजा, बिल्कुल पूजा की जगह मैं ध्यान करता। तो किसी, कोई अगर पहले पूछता भी था कि आप, अरे तुम पूजा करते थे, बोलते मैं भी पूजा करता हूँ, तो तुम किसकी पूजा करते हो, बोले मैं खुद स्वयं की पूजा करता हूँ। स्वयं की मतलब मैं जो मेरे भीतर वास करता है उस आत्मा की पूजा करता हूँ, इसके लिए मैं ध्यान में बैठता हूँ, और उसमें किसी के नाम ने भी नहीं लेता हूँ, मैं जस्ट श्वास को पहनता हूँ और हायर सेल्फ से कनेक्ट होता हूँ। इस टाइप से मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। जी, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर और आपकी जर्नी के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने इतनी मुश्किलों का सामना किया उसके बावजूद आज आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी आपसे बहुत कुछ जानना है, पर इस एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे विजय कुमार सर जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है सर से, किस तरीके से सर ध्यान प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं ध्यान के प्रति, ये हम बात करेंगे सर से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत लगा जानकर कि आप उनको उन्हीं के तरीके से सिखा रहे हैं, उनको उन्हीं के तरीके से समझा रहे हैं, तो इसका एक आउटपुट जो आपको मिलता है सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सिखा रहे हैं तो आप उनमें बदलाव देखते होंगे, तो किस तरीके से क्या क्या बदलाव आप उनमें देखते हैं और क्या वो आपसे अपना अनुभव शेयर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बेसिकली जैसे मैं स्कूल कॉलेज में ज़्यादा जाता हूँ, तो स्कूल कॉलेज में फर्स्ट जाने के बाद मैं बीच बाद में जब जाता हूँ तो बहुत लोग एक बच्चे के एक्सपीरियंस होते हैं। शुरू में तो उनको, जैसे बच्चे लोग हैं तो उनको ज़्यादा मैं बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट वो बैठते हैं वो और उस ध्यान में चले जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस वो खुद बताते हैं कि सर मैं पहले झगड़ा लड़ाई करता था, अभी मैं किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता हूँ। ये जो सामने वाले लोग को मैं किसी बड़े व्यक्ति को बताता हूँ वो भी बोलते हैं कि सर नहीं, सर मुझे शांति महसूस होने लगा और पहले से ज्यादा मैं ऊर्जावान हो रहने लगा हूँ। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।